हेलो फ्रेंड्स और चॉकलेट लवर्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता था कि आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट एक्चुअल में इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो अल्कोहल यानी कि दारू का एक अल्टरनेटिव बन सके, यानी एक तरीके से दारू छोड़ो चॉकलेट खाओ, इसीलिए बनाई गई थी। आई नो ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब जो सच्चाई है सो है। एक्चुअली जब 18 सेंचुरी में लोग ज्यादा दारू पीने लगे थे ना, तब उनकी आदत छुड़वाने के लिए मिस्टर जॉन कैडबरी ने कोको ड्रिंक्स और कोको बार्स का अल्टरनेटिव लाया। और जॉन की बनाई ये रेसिपी पिछले 114 सालों से सेम की सेम है और उसे आज तक कभी नहीं बदला गया। ये रेसिपी ना पूरे दुनिया में इतनी फेमस है कि हर साल कैडबरी 12.61 करोड़ का प्रॉफिट करता है। और ये चॉकलेट बनाने के लिए आपको क्या लगता है पता है? बस अच्छे वाले कोको बीन्स को चूज करो, उसमें मिल्क और शुगर और बटर ऐड करो और फिर उसे फ्रीज कर दो, एंड टाडा कैडबरी तैयार। बस इतना ही होता है फैक्ट्री में। बट फ्रेंड्स, अब सवाल ये है ना कि अगर ये इतना आसान होता तो लोग कैडबरी दुकान से क्यों खरीदते, घर पे ही बना लेते। और हर रोज कैडबरी 5.5 मिलियन ब्लॉक्स नहीं बनाता और उन्हें टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को नहीं रखता। यस, कंप्यूटर्स भी टेस्ट करते हैं आपकी कैडबरी को और उसी के बाद वो चॉकलेट आपके पास पहुंचती है। लेकिन एक कंप्यूटर कैसे किसी चीज को टेस्ट कर सकता है? वेल, ऐसे ही कई माइंड ब्लोइंग चीजें आज आप जानने वाले हो आज के इस रोमांचक एपिसोड में, जिसका नाम है हाउ चॉकलेट इज मेड इन कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री। अब देखो बॉस, कहानी चाहे सिंड्रेला की हो या कैडबरी चॉकलेट की हो, उसका वंस अपॉन अ टाइम तो होना जरूरी है। आफ्टर ऑल हिस्ट्री एंड पिक्चर की स्टार्टिंग दोनों ही मैटर करती है कि नहीं? फुकट में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ले ही लो यार। सो वंस अपॉन अ टाइम जब 18 सेंचुरी में लोग अल्कोहल काफी ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे, तब मिस्टर जॉन कैडबरी को लगा कि ऐसा थोड़ी चलेगा, अगर लोग ऐसा ही दारू पीता रहा तो ये सब जल्द ही टपक जाएगा। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर वो लोग दारू पीते ही क्यों है। एक बेवड़े से पूछना कि वो दारू क्यों पीता है, आई डोंट थिंक इज अ गुड आइडिया। बट रिटर्न में उसे जवाब मिला कि वो अच्छी ड्रिंक है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो टाइम पास के लिए पीते हैं। वेल, इसे सुनते ही जॉन के दिमाग में एक धांसू सा आइडिया आया। उसने बोला, ये इसको टेस्टी बोलते हो आप? अगर मैं इससे भी अच्छी और टेस्टी ड्रिंक बना के आपको पिलाऊं तो क्या आप सब लोग पियोगे? वेल, और किसको ये बात ना गवार होती, हर किसी को बेस्ट चीज ही खानी और पीनी है। सो सबने वहां पर एग्री कर लिया और जॉन लग गए अपने रिसर्च में। काफी रिसर्च और मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस खोला, जहां वो लोगों को हॉट चॉकलेट बेचते थे, जिसकी रेसिपी काफी सिंपल थी। गर्म दूध में शुगर और कोको पाउडर मिक्स करो और उसे थिक बनाओ और लोगों को बांटो। ये ड्रिंक जैसे ही लोगों के बीच आया, उसने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। लोग अल्कोहल को छोड़ हॉट चॉकलेट पीना शुरू कर दिए और अपने इसी ड्रिंक को अपग्रेड करते करते वक्त अनुसार 1849 में उन्होंने पहली बार कैडबरी बार बनाई, जो धीरे धीरे इतनी फेमस हुई कि उसके चर्चे क्वीन तक पहुंच गए। बस फिर होना क्या था, 1854 में जॉन को कहा गया कि उसे लाइफ टाइम क्वीन विक्टोरिया को कैडबरी सप्लाई करना पड़ेगा। और तब क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने चॉकलेट्स को पर्पल रैपर्स में रैप कर दिया, जो कि क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट कलर था। पर अफसोस, क्वीन तो इम्प्रेस नहीं हुई। बट यस, कैडबरी को अपने रैपर का एक परफेक्ट कलर जरूर मिल चुका था। तो भैया ये था इतिहास कि कैसे कैडबरी चॉकलेट बनी और कैसे उसके रैपर को पर्पल कलर मिला। अब हम आते हैं इसके असल मुद्दे पर। कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री में आज की तारीख में इतने बल्क में, इतने लॉट में आखिर कैसे बनता है चॉकलेट? तो चॉकलेट बनाने की शुरुआत सबसे पहले होती है कोको बीन से। और जैसे कि हमें पता है, दुनिया का सबसे बेस्ट कोको बीन घाना देश में उगता है, तो जाहिर सी बात है कैडबरी भी कोको उन्हीं से खरीदेगा। बट घाना की किसी बड़ी कंपनी से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो एक ऐसे फाउंडेशन से कोको खरीदती है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फाउंडेशन का नाम है कोको लाइफ, जो घाना देश की इलिटरेसी और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, लोगों को फार्मिंग, एजुकेशन और रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें काम करने वाले लोग पहले तो बेस्ट क्वालिटी कोको पॉड्स चुनते हैं और फिर जैसे मूंगफली को उसके शेल से बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही कोको बीन्स को भी कोको पॉड्स से बाहर निकाला जाता है। और फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है ताकि ऑफकोर्स बीन्स का सारा मॉइस्चर उड़ जाए और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी किया जा सके। वरना होगा क्या, गीले या फिर मॉइस्ट बीन्स गोनियों में सड़ जाएंगे या फिर चिपचिपे हो जाएंगे। सो जैसे ही वो सूख जाते हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम के वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और फिर क्या लगता है आपको, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता रहेगा? ग्राइंडिंग
नहीं बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो फार्म से आए हुए इन बीन्स को साफ किया जाता है और उनमें से कचरे को निकाला जाता है और फिर उसके बाद उन्हीं बीन्स को रोस्ट किया जाता है। जैसे हम कॉफी बीन्स को रोस्ट करते हैं उनके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, वैसे ही कैडबरी के फैक्ट्री में कोको बीन्स को भी रोस्ट किया जाता है ताकि उसका टेस्ट एनहांस हो सके। और इस रोस्टिंग के प्रोसेस के दौरान पूरी फैक्ट्री में चॉकलेटी सी मीठी स्मेल आने लगती है, जिसे स्मेल करने के बाद आई डोंट थिंक वहां काम करते लोग मुंह से टपकती लार को रोक पाते होंगे। खैर मजाक साइड में, इसके बाद एज वी ऑल नो जब चीजें रोस्ट हो जाए तो माँ हमें घर पे क्या करने के लिए कहती है, करेक्ट, ग्राइंडिंग। सो यहाँ पर भी वही होता है, इन रोस्टेड बीन्स को ग्राइंड करके उन्हें कोको पाउडर में बदल दिया जाता है और फिर उन्हें इंग्लैंड के गांव मालब्रुक में भेजा जाता है। वैसे कोको पाउडर के मालब्रुक के फैक्ट्री में आते ही कोको पाउडर को सीधा फ्रेश फुल क्रीम मिल्क और ढेर सारी शुगर में मिला दिया जाता है। क्यों? सिंपल है, कोको कड़वा होता है, मीठा तो करना पड़ेगा ना उसे, एडिक्टिव कैसा बनेगा। अब शुगर मिल्क और कोको पाउडर के इस मिक्सचर को तब तक मिलाते हैं जब तक वो एक थिक यानी कि गाढ़ा लिक्विड नहीं बन जाता, और जैसे ही वो थिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वैसे ही उसको वैक्यूम ओवन में डाल दिया जाता है जिससे वो कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, सो दैट वो लिक्विड सॉलिड क्रम्स का रूप ले ले ताकि उसके बाद उसे फिर से पाउडर फॉर्म में बदला जा सके। नाउ वेट अ मिनट, कंपनी पागल तो नहीं हो गई है? जब उनको पाउडर फॉर्म में फिर से बनाना ही था तो उनको क्रम्स में बदला ही क्यों गया? वेल, यहां पर जवाब बिल्कुल सिंपल है, ये जितनी बार प्रोसेस होगा आपकी चॉकलेट उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी, एक ऐसी चॉकलेट जो मुंह में जाते ही पिघल जाए, माउथ मेल्टिंग। बस इसीलिए उनको क्रम्स में बदला जाता है और फिर से रोलर मिल्स में डाल के उनको पाउडर में बदल दिया जाता है और ये प्रोसेस को 3 बार बैक टू बैक रिपीट किया जाता है, जहां हर एक ब्रेकडाउन या ग्राइंडिंग के बाद मिक्सचर के टाइम पे नए इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है जैसे कि कोको बटर या फिर फ्लेवरिंग फॉर बेटर टेस्ट, और ये सब मिलाने के बाद उस पेस्ट को लंबे समय तक फिर से ब्लेंड करते हैं स्मूथनेस लाने के लिए। एंड देन नहीं वापस से पाउडर नहीं बनेगा, बल्कि अब तो ये पेस्ट सीधा मोल्ड में डाल दिया जाता है और वो शेक होते होते सीधा फ्रीजर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आप कहोगे यार सीधे सीधे भी तो लेके जा सकते हैं, शेक करते करते क्यों लेके जाया जाता है? वेल, शेक करना जरूरी है। आपने देखा ही होगा जब आपकी मॉम चॉकलेट या केक बनाती है तब मोल्ड में पेस्ट डालने के बाद वो मोल्ड को हल्के से पलटती है या फिर शेक करती है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो थिक पेस्ट एक लेवल पर आ जाए और साथ ही में उसके बीच में कोई एयर बबल्स ना रह जाए, एंड फिर वो फ्रीजर में 40 मिनट तक फ्रीज होने के बाद फाइनली एक चॉकलेट बन जाता है, जिसके बाद एज वी ऑल नो उसके मेकअप के लिए उस पर चढ़ाया जाता है ग्लॉसी चॉकलेट एडिबल शीन, और यही वजह है कि आपकी चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होती और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अच्छी भी दिखती है। इसके बाद फ्रेंड्स आखिर में चॉकलेट्स को कपड़े पहनाए जाएंगे, अब बारी आएगी पैकिंग स्टेज की, बट इससे पहले आपने नोटिस किया कि इसे बनाने का प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बट अब बात करते हैं पैकिंग स्टेज की। पैकिंग से पहले उसका वजन देखा जाता है और उनकी काउंटिंग होती है, और अगर बाय चांस कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए तो बास की नजर चीते की चाल और कैडबरी के ब्लो मशीन पे संदेह नहीं करते, कभी भी उड़ा सकती है। और जो भी चॉकलेट्स इस स्टेज से आगे निकल जाती है उस पे चढ़ता है रैपर और हीट की मदद से उसे सील पैक कर दिया जाता है, एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड सिर्फ प्लेन चॉकलेट की ही डिमांड करती है? ना जी ना, भगवान ऐसी जीएफ बनाना ही भूल गए भाई। गर्लफ्रेंड तो मांगती है बबली, सिल्क, फ्रूट एंड नट, इन शॉर्ट वो चॉकलेट जो इंस्टा पे पोस्ट कर पाए, महंगी हो और हमारे जेब खाली हो जाए। तो वो सारी चॉकलेट्स आखिर कैसे बनती है? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट एंड नट की और कैडबरी क्रैकल की। ये बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो प्रोसेस हम ऊपर फॉलो करते हैं बस वैसे ही सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको पेस्ट मोल्ड में डालने से पहले पेस्ट में काजू, बादाम, रेजिन्स और पिस्ता ऐड करना पड़ेगा फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाने के लिए, और कैडबरी क्रैकल बनाने के लिए उस पे क्रैकल्स के स्प्रिंकल ऐड करने पड़ेंगे, और टडा आपकी चॉकलेट तैयार है। और अब अगर हम बात करें और भी महंगे चॉकलेट्स जैसे कि ओरियो, बबली और सिल्क की, उसका जवाब तो मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत कोशिशें की इसे जानने के लिए। इनफैक्ट मैंने कैडबरी के सीईओ आनंद कृपालू भाई से भी बात की, बट अफसोस वो इतने कृपालू नहीं निकले। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हम सबको हमारा सीक्रेट थोड़ी ना बता देंगे, और यही रीजन है कि आज तक उनकी बाकी के चॉकलेट्स की रेसिपी मार्केट में कहीं ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई है। और बाकी मार्केट में ओरियो कैडबरी कैसे बनती है, बबली में कैसे वो लोग बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं और उसे कैसे फुलाते हैं, ये सारे लॉजिक्स पड़े हैं, बट कंपनी वाकई में ऐसा करती है या नहीं ये किसी को नहीं पता, और उनकी सीक्रेट रेसिपी क्या है वो भी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। बट फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ भूल रहे हो? याद है मैंने आपको बोला था कि कैडबरी को बनाते वक्त कंप्यूटर्स को एज चॉकलेट टेस्टर्स यूज किया जाता है? वेल या, आपकी चॉकलेट्स और न्यू वेराइटी
वैरायटीज को बार बार टेस्ट किया जाता है चॉकलेट मेकर्स, दुनिया के बेहतरीन सुपर टेस्टर्स और कंप्यूटर्स के द्वारा। बट कंप्यूटर्स कैसे टेस्ट करेंगे, यही सोच रहे हो ना? वेल, मैं बताता हूँ कैसे। कैडबरी रिसर्च एंड डेवलपमेंटल लैब में रिसर्चर्स चॉकलेट को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते दौरान वो चौकोई फ्यूम्स को स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन के अंदर ब्रीद आउट कर देते हैं और ये मशीन इतनी केपेबल है कि वो मेजर कर सकती है कि वो एक्चुअली में क्या टेस्ट कर रही है। अब लॉजिकली देखा जाए तो जब आप खाना खाते हो तो आप नोज से भी उस खाने को सेंस कर रहे होते हो, सो ये मशीन भी वैसा ही कुछ काम करती है। इसमें सेंसर्स और रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को इन दोनों ट्यूब्स की मदद से टेस्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि चॉकलेट्स कैसे बनती है और कंप्यूटर्स उन्हें कैसे टेस्ट करते हैं। बट हाँ, सिल्क चॉकलेट, ओरियो, बबली, ये सारे चॉकलेट्स एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, ये राज तो अब सिर्फ कैडबरी फैक्ट्रीज के पास ही है। अगर आपको इनके रेसिपी का कोई अंदाजा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना हमारे साथ। और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सिट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने हैं तो। एंड सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।